मॉर्निंग एवरीवन। अभी 7:20 हो रहा, बहुत लेट हो गया उठने को। मैं बीच में उठा था 5:30 को, बट स्टिल मेरा चेहरा देखो, आई एम लुकिंग सो फ्रेश, यू नो इट एज यूजुअल। आज देखना क्या सीन रहता। आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी माइट लीव अराउंड 8 o'clock, बट विद द गॉड्स ग्रेस एंड माइंडस ग्रेस विल सी कब जाते बोल के। इवनिंग के लिए ब्लॉग अपलोड कर दिया, रात कितने बजा हुआ मालूम, 2:30 समथिंग, 2:30 हुआ था ना। बहुत स्ट्रेसफुल है, बट इनफ ना, 5-6 घंटे तो मोर देन इनफ स्लीप। ओह, इट्स ऑलमोस्ट 8:20, अभी फाइनली वेकेट कर रहे हैं। होपफुली विल रीच टू आर डेस्टिनेशन। यहाँ पे जर्मन शेफर्ड मस्त है, तो इधर स्टे की है, इसका नाम है जेके लॉज। ऐसा है व्यू इधर, पूरा पॉट ऑन भी था बट वो सब कुछ निकाल दिए, एंड बाजू में बार भी है, एंड इधर ये शॉप्स भी है होना बोले तो। क्रेजी है लोकेशन तो डेफिनेटली, अगर आप बादामी जा रहे बोले तो बीच में रीजनेबल स्टे, एंड ओके फाइन, होटल इज गुड, यू कैन स्टे ओवर हियर। पूरे यहाँ पे ना ODP होटल्स है, एंड ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है, इडली डोसा और खा रहे हैं, बट स्टिल अच्छा है। अगर आप होना बोले तो ये ट्राई करो, ठीक है ना, कभी ये रास्ते में जा रहे बोले तो। बाजार में जाने के रास्ते में दोस्त है आर फेवरेट ब्लैक कॉफी, ये दोनों चाय पी रहे। वाव, टायर्ड फेसेस। जा रहे अभी 600, सॉरी 6 hours 40 minutes बता रहा, एंड 289 किलोमीटर से। Day 2, December 31st। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, सो आई एम रियली एक्साइटेड, एंड सब लोग भी एक्साइटेड है बहुत। अभी हम लोग ना ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप आगे पूरा, सो इसलिए बहुत थोड़ा टायर्ड है, एंड वी वॉन्ट टू हैव आर लंच। अभी टाइम क्या हो रहा, 2:14 हो रहा है, एंड होपफुली बाय 4 or 5 वील रीच कैलंगेट, और मे बी 6 ऑल्सो, डेफिनेटली बहुत वॉचिंग होगा, व्यू देखेंगे उधर जाके, ठीक है ना। फूड को भी दिखाऊंगा, अरे हेलमेट पहन पहन के ना पूरा ऐसा हो गया मेरा ना, हैवी फूड खा लिए, एंड तेरा हेयर बहुत खराब हो गया, सो अभी रिविलेशन ऑफ समथिंग, इतना बड़ा महिंदर इधर ही है, उसको बोल देंगे, ठीक है ना महिंदर। నిజంగా ఒక చెప్పాలా, మనం ఈరోజు ఎడికోతున్నాం తెలుసా, మనం పోయే గోవా అడుగు అని అయిపోయింది ఆ బ్రో, అలా అడుగు వాళ్ళని ఫ్లాప్ ఎక్స్పెక్టేషన్, అసలు ఫ్లాప్ చెప్పినా కదా నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది గోవా పోతున్నాను, నాకు చాలా ప్రీమియం తిప్పుకోలేకపోతున్నాను నిజంగా తీసుకోవద్దు, ఇట్లా తీసుకెళ్తాడు ట్రక్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతా ట్రిప్ మే ఇతనా జ్యాదా థమ్స్ అప్ పియా నా మే బ్రో, ఇది రిటర్న్ కొట్టినట్టు అనుకో బ్రో, కభీ భీ లైఫ్ మే ఉత్నే థమ్స్ అప్ నహీ పియా మాలూం, ఏక్ దిన్ మే వీడియో మంచి
बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा, तो इसके लिए बेट लगाएंगे। अगर उधर लेके गया तो नहीं इन्हों मुझे 1000 रुपए देता ना, कुछ भी लेता। अगर हम उधर नहीं गए तो इन्हों मुझे देना, ठीक है? ठीक है, बेट स्टार्ट अप ब्रो। बेट 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 ब्रो, ऐप्स ओपन करके चेक भी कर रहा हूँ, तो इसलिए बोल दें हम एक छोटा गोवा एक बड़ा गोवा। अभी छोटा गोवा का देख रहा है छोटा गोवा बोलम अंजना अन्न अंजना अंजना बोले तो लड़की का थे कारंगेट, और 70 किलोमीटर से शायद। यहाँ पे इतना अमेजिंग है व्यू। ओ शिट, क्रेजी दिख रहा। ये है बैकग्राउंड, पीछे के वो बर्ड साउंड, फॉग, दैट सन, सनसेट भी हो रहा। मस्त दिख रहा मालूम, मस्त है सीरियसली। या आप कैलंगेट के ना, कैलंगेट जाने से पहले अगर आप कार या बाइक लेके गए तो ना आपको मिल जाता है ये लोकेशन जो भी है, एंड डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस अगर आप गोवा जाने को सोच रहे बोले तो। देख भी सकते नीचे क्या है बोल के, एंड पेड़ पौधे एंड द फॉरेस्ट रोड आल्सो विजिबल, एंड आप यू कांट गो इनसाइड। बट थोड़े लोग कैसे बोले तो नीचे से चले जा रहे हैं, यू कैन मैनेज, बट बहुत डेंजर है गाइस पीछे का व्यू। तो समथिंग दे यूज्ड टू डू ट्रेकिंग ओवर हियर माइट बी, क्योंकि वहाँ पे है थोड़े थोड़े ट्रेकिंग के सामान। देखो इधर से जा रहे हैं हम अभी
ये कैलन गेट का रास्ता है इसलिए वैसा है।